Dear student, as I discussed about formulating your hypothesis, then step number 4 is design research, including sample design or whatever. What would be your sample when you will taking this research? So, इस research के लिए जो आप sample लेंगे उसके बारे में आपने इसमें explain करना है. फिर आपने how can you collect this data? आप अपने data के बारे में भी आप कहेंगे कि आप किस तरह इस data को further जो है आप collect करेंगे और इस research को अपने research या topics जो आपने सेलेक्ट किया है. फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा कि आप कौन कौन से टॉपिक को सेलेक्ट करके एक असाइनमेंट बनाएं जिसे हम रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और फिर उसी ही रिसर्च प्रपोजल को हम जो है वो फर्दर आपके केस स्टडी और केस रिपोर्ट और आपकी जो अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है बीएस के प्रोग्राम के लिए उसका हम जो है थीसिस या रिसर्च का जो रिपोर्ट होता है वो इसे बनाएंगे. फिर एनालाइज डेटा जो आपके अपने हाइपोथेसिस हैं जो आपने ली होते हैं फिर उसी हाइपोथेसिस के बिना पे आपने इस डेटा को एनालाइज करना है जिस पे आपने मुख्तलिफ टेस्ट अप्लाई करने होते हैं वो भी स्टेटिस्टिकल टूल से रिलेटेड है. वो भी फर्दर इंशाल्लाह हम अपने क्लास में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. नंबर सेवन जो है वो इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट. फिर जब आपके पास जो फाइंडिंग्स आती हैं आपकी रिसर्च से आपने क्या करना होता है कि आपने अपने रिसर्च को इंटरप्रेट करना होता है, अपने रिसर्च के बारे में आपने बात करनी होती है और उसी रिसर्च को आपने जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने पहले से काम किया होता है उसको आप उसके साथ कंपेयर करते हैं. नेक्स्ट जो है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. हम रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरह डिफाइन करेंगे? अ रिसर्च प्रॉब्लम इन जनरल रिफर्स टू सम डिफिकल्टी व्हिच अ रिसर्चर एक्सपीरियंसेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईदर अ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सिचुएशन एंड वांट्स टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन फॉर द सेम. द रिसर्च प्रॉब्लम अंडरटेकन फॉर स्टडी मस्ट बी केयरफुली सेलेक्टेड. Help may be taken from a research guide and this connection. Ask yourself one key question: Where do your interests lie? सबसे पहले जब आपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है तो आप क्या करते हैं कि आप मुख्तलिफ रिसर्च आर्टिकल्स को सबसे पहले आप रिसर्च आर्टिकल्स वर्ल्ड से लेते हैं सारी दुनिया से फिर आप एशिया से लेते हैं क्योंकि हम एशिया में रहते हैं फिर आप जो है रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं वो आप डाउनलोड करते हैं थ्रू गूगल साउथ एशिया से फिर साउथ एशिया के बाद आप क्या करते हैं कि पाकिस्तान से वही रिसर्च आर्टिकल उन्हीं टॉपिक्स में ले लेते हैं और फिर उन्हीं टॉपिक्स को जो है आप थॉरली रीड करते हैं जिसमें आप जब रीड करते हैं तो आपको लोगों की फाइंडिंग्स नज़र आती हैं कि भाई इसने ये काम किया है इसने ये काम किया है तो आप उन काम को उनके कामों को देख के आपको अंदाज़ा लगता है कि मैं अगर इस रिसर्च पे काम करूं तो इसमें एक पॉइंट है जिस पे जो है कुछ गैप नज़र आ रहा है तो आपने उस गैप को क्लियरली जो है अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई करना है और फिर आपने उसी गैप पे काम करना है. रिसर्च प्रॉब्लम को जो है वो हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे या किस तरह हम उसको जो है डिफाइन करेंगे तो उसके लिए जो है द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी ऑब्जर्व्ड बाय अ रिसर्चर इन सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम और अ सब्जेक्ट फॉर रिसर्च. नंबर 1 सब्जेक्ट व्हिच पुअर डन should not be normally chosen for it will be difficult task to throw any new light in such a case. अगर एक बंदे ने बहुत ज़्यादा एक टॉपिक है आपने सपोज वो दे दिया और वो जो टॉपिक है हम यूजुअली इकोनॉमिक्स में इस तरह करते हैं कि हम क्रॉप प्रोडक्शन को देखते हैं सपोज हम वीट प्रोडक्शन को देखते हैं तो वीट प्रोडक्शन पे तो हर बंदे ने काम किया होता है ना जो बहुत ज़्यादा काम लोगों ने किया या वीट डिजीज पे बहुत से लोगों ने काम किया होगा
लेकिन एक ही पर्टिकुलर एरिया में आप एक ही टॉपिक को बार बार जो है रीड करेंगे और उसी में जो है आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, जो बहुत जनरल टॉपिक होता है, उसमें फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। आपने एक ऐसी यूनिक टॉपिक को लेना होता है जिसमें लोगों ने काम रेयर किया होता है, जनरल टॉपिक में बहुत कम लोग काम करते हैं। नंबर टू जो है, देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव्स टू बी ऑब्टेन्ड टू बी अटेंड एट इफ वन वांट्स नथिंग वन कैन नॉट हैव अ प्रॉब्लम। आपने अपने जहन में आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स भी रखे, अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं रखे तो फिर क्या होगा, फिर आपको डिफरेंट होगा, डिफिकल्ट होगा, यू विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट योर रिसर्च। तो अपने रिसर्च के लिए आपने उसी जो प्रीवियस लिटरेचर है उसी से एक आइडिया लेके अपने ऑब्जेक्टिव्स पे रखने हैं। नंबर थर्ड जो है, द सब्जेक्ट सेलेक्टेड फॉर रिसर्च शुड बी फेमिलियर एंड फीजिबल सो दैट द रिलेटेड रिसर्च मटेरियल और रिसोर्सेज ऑफ रिसर्च आर विद इन वन रीच। आपने क्या करना है कि आपने एक ऐसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिससे आप फेमिलियर हैं और आपकी वो जो रिसर्च है वो आपकी रीच के मुताबिक हो, मतलब आप उनको उस रिसर्च को आसानी से सर्च भी कर सकते हैं, उसके बारे में आर्टिकल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपको पता भी चलता है कि आप किस तरह इस रिसर्च को फर्दर आइडेंटिफाई करें। जिस रिसर्च को आप कर नहीं सकते उसको कभी ना करें, क्योंकि उसमें बंदा फिर शर्मिंदगी उठाता है। तो वही हम फिर आते हैं कि हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरह डिफाइन करेंगे और हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स को किस तरह फर्दर हम लेके जाते हैं। जो हमारा चार नंबर पॉइंट है वो ये है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट द क्वालिफिकेशंस एंड द ट्रेनिंग ऑफ द रिसर्चर द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड द टाइम फैक्टर आर फ्यू अदर क्राइटेरिया दैट मस्ट आल्सो बी कंसीडर्ड इन सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम। बिफोर द फाइनल सेलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम इज डन अ रिसर्चर मस्ट आस्क हिमसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन वेदर ही और शी इज वेल इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ his or her background to carry out the research, whether the study falls within the budget he can or she can afford, whether the necessary cooperation can be obtained from those who must participate in research as a subject। नंबर चार में हम ये कह रहे हैं कि भाई वो जो आप रिसर्च कर रहे हैं क्या वो आपके बजट के मुताबिक हैं, क्या आपके पास इतने इक्विपमेंट्स हैं जो आपके रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट है और क्या उन इक्विपमेंट्स में से आप जो है उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उससे आप काम ले सकते हैं। इसमें जो है ना नेसेसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप जो पार्टिसिपेट करेंगे इस रिसर्च में वो आपके पास कौन होगा आपके हेल्प में, जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे उसके लिए भी तो आपको जो है ना एक सुपरवाइज़र होना चाहिए, वो भी आपका हेल्प करेगा। तो इस तरह की चीज़ों को आपने अपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से पहले जो है या प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने से पहले आपने इस पे सोचना है कि भाई आप इसको किस तरह हैंडल करेंगे। नंबर पाँच जो है, इफ द फील्ड ऑफ inquiry is relatively new and does not have available a set of well developed techniques, a brief feasibility study must always be undertaken। to agar ek field hai us pe aap kaam kar rahi hai aur us mein koi technology ya techniques jo hai wo develop nahi hai to aap is tarah karenge ki aap apni feasibility study ko develop karenge aur aap usko ek nayi study ka naam denge us pe kaam karenge। तो डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम प्रॉपरली एंड क्लियरली इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ रिसर्च स्टडी एंड मस्ट इन नो केस बी अकॉम्प्लिश्ड हरिडली। द टेक्निक फॉर द पर्पस इन्वॉल्व्स द अंडरटेकिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेप जनरली वन आफ्टर द अदर।
तो आपने ये है कि जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है वो आपने जल्दी से नहीं करना, आपने बहुत सोच समझ के करना है, ताकि आप जब ये रिसर्च करेंगे तो इस रिसर्च को आपने कंटिन्यू भी रखना है, फिर इसी प्रॉब्लम्स को आपने फिर आइडेंटिफाई भी करना है, इसके फाइंडिंग्स को फिर आपने एक्सप्लेन भी करना है। तो इसलिए सोच समझ कर रिसर्च प्रॉब्लम्स को आपने सेलेक्ट करना है। और ये जो टेक्निक है इसमें जो इन्वॉल्व है उसमें हमारे पास पांच स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले जो जनरल स्टेप्स है उसमें स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन अ जनरल वे, आपने अपने प्रॉब्लम को जनरल वे में एक्सप्लेन करना है कि सारी दुनिया में सपोज इस टॉपिक पे काम हुआ है और मैं जो काम करूंगी तो मैं इसमें क्या प्रॉब्लम्स जो है वो आइडेंटिफाई करूंगी। नंबर सेकंड, आपने अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, आपने इस प्रॉब्लम के नेचर को भी अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है जो मैं आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ तो इसका असल में क्या नेचर है, हम किस तरह इसको फर्दर स्टडी को कंटिन्यू करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आप मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड हो, चाहे वो बॉटनी से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल साइंसेज से रिलेटेड हो। फिर थर्ड आपका जो है, आपने अपनी लाइब्रेरी में जाके आपने गूगल पे सर्च करना है, गूगल स्कॉलर पे सर्च करना है, अवेलेबल जो लिटरेचर होता है आपने उसी लिटरेचर को जो है आपने सर्च करना है और उसी लिटरेचर से आपने अपना रिपोर्ट जो है वो डिजाइन करना है। और फोर्थ जो है डेवलपिंग द आइडियाज थ्रू डिस्कशन, फिर आपने क्या करना है कि अपने आइडियाज को डिस्कशन के थ्रू जो है आपने डेवलप करना है, और उन्हीं आइडियाज पे आपके बहुत दोस्त होंगे या आप जिस लैब में काम कर रही हैं तो उसमें आप अपने प्रोफेसर्स के साथ आप डिस्कस कर सकती हैं, उसी आइडियाज को डिस्कशन में जब आप बार बार डिस्कस करेंगे तो आपके जहन में एक आइडिया आएगा और फिर आप फर्दर उस रिसर्च को एनालाइज कर सकेंगे। फिर आपने क्या करना है कि आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को एक वर्किंग प्रपोजिशन में रीफ्रेज करना है, मतलब ये कि एक बंदे क्या आप कोट कर रही हैं किसी का रिसर्च, तो आपने सेम उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना अपनी रिसर्च प्रॉब्लम में, बल्कि आपने क्या करना है कि आपने अपनी वर्ड फाइल में जाके उसमें अपने अल्फाज में जो है वो आइडेंटिफाई करना है और उसको जो है सही तरीके से लिखना है। ये हम फर्दर स्टेप्स में करेंगे। अब जो आपका काम है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम क्यों ये रिसर्च करेंगे। तो इस सब चीज़ों का जो है ना, ये जो 3 slides मैंने आपको डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, इसका खुलासा ये है कि आपने जो रिसर्च करना है उसके सबसे पहले जो आपका काम है, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंट लोगों ने जो रिसर्च किया है उससे कौन सी ऐसी बात है या गैप है जो वो नहीं कर सके, और मैं उस रिसर्च को फर्दर कंटिन्यू करके उस पर काम करूंगी या करूंगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो स्लाइड है ये असल में बेस्ट है लिटरेचर रिव्यू पे, तो ये फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इस पे जो है हम बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।